तो यारो कैसे सब कुछ ठीक है ना। देखो आज मैं किसी और एक अलग वीडियो की तैयारी कर रहा था लेकिन अचानक से मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आया और बूम मैं क्या देख रहा हूँ, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मूवी का टीजर आ चुका है जिसका नाम है वॉर। और ये कब कहाँ अचानक से कैसे आ गया कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन उसके लिए ना यश राज प्रोडक्शंस को एक खास क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने अब तक इस मूवी के डिटेल्स को इतना सीक्रेट रखा हुआ है ना, मतलब टीजर देखने से पहले तक तो मुझे लग रहा था कि एक डांस फिल्म होने वाली है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच में। फिर मैंने इस टीजर को शुरू किया और जब स्टार्टिंग में ऋतिक का लुक आया ना, मैंने बोला वेट अ मिनट, ये तो किसी भी एंगल से एक डांस फिल्म नहीं लगती। ऋतिक रोशन का यश राज फिल्म के साथ ये मूवी धूम 2 के बाद आ रही है, मतलब कितने साल हो गए यार उनको। और देखो इस मूवी को इतना सीक्रेट रखा गया है ना कि इस मूवी के बारे में अब तक ज्यादा कुछ पता नहीं है। बस इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ऋतिक रोशन जो है वो टाइगर श्रॉफ के मेंटर प्ले करने वाले हैं इस मूवी के अंदर। ऋतिक टाइगर के गुरु होंगे और किसी एक रीजन से उन दोनों को आपस में लड़ना होगा। इस मूवी के डायरेक्टर का कहना है कि इसके अंदर ऐसा एक्शन होगा ना बॉलीवुड एक्शन मूवीज का लेवल बढ़ जाएगा। और इसके टीजर को देख के ऐसा लग भी रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कूल एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो उतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे यार। मतलब ये दोनों आ रहे बाइक से एक दूसरे के साथ और क्या फिस्ट बम देके जाएंगे एक दूसरे को। और ऐसे ही कुछ सीन हमको धूम 3 के अंदर भी देखने मिला था ना, जब अभिषेक बच्चन और आमिर खान आ रहे एक दूसरे की तरफ बाइक पे और हाथ में उनके शायद डंडा है। और अगर आप इस बर्फ के अंदर कार फाइट सीन को देखोगे तो फिर कुछ लोग इसको फास्ट एंड फ्यूरियस 8 से भी कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन देखो इसके बाद भी टीजर के अंदर हमको जितना कुछ भी दिखाया ना उससे इस मूवी का एक्शन बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। मतलब इस फ्रेम को देखो यार आप, इसके अंदर आप दोनों ही एक्टर्स के चेहरे आराम से देख सकते हो, मतलब ये स्टंट उन्होंने खुद किया है। और नॉर्मली इस टाइप के जो स्टंट्स होते हैं वो स्टंट डबल ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने खुद किया तो उसके लिए प्रेस तो देना पड़ेगा। टीजर देखने के बाद सबको तो ये पता चल ही गया है कि इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा टाइगर वर्सेस ऋतिक रोशन। लेकिन देखो ये पॉइंट इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर उन्होंने सिर्फ इतना ही ध्यान में रख के मूवी बनाया होगा तो। मतलब कि मूवी की स्टोरी में कुछ भी हो जाए लेकिन लास्ट में इन दोनों को फाइट करा के ही रहना, अगर इस माइंडसेट से वो लोग मूवी बना रहे होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है सच में। लेकिन आखिरकार ये दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं पता नहीं। मैं सिर्फ इतना विश करता हूं कि इन दोनों की फाइट को खत्म करने के लिए किसी मार्था का यूज ना करें वो लोग। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक्शन को छोड़ के जो ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर वो ज्यादा ओवर ना हो जाए। अब ये दोनों तो इस मूवी के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट तो है, लेकिन इनके अलावा इस मूवी के अंदर वाणी कपूर भी है जो हमको बेफिक्रे और शुद्ध देसी रोमांस के अंदर